हेलो मिसेस रेखा ब्लॉग्स में बनने वाली है आलू की टिक्की, क्रिस्पी करारी बिल्कुल ठेले वाली जैसे ठेले पे मिलती है। तो चलिए बनाते हैं, करते हैं शुरू। टिक्की बनाने के लिए पहले मैं खट्टी वाली चटनी बना लेती हूँ। जो हरी चटनी बनती है उसके लिए मैंने 4 हरी मिर्च लिए, इसके डंठे तोड़ दिए हरी मिर्चों के, ये 2 टमाटर, ये हरा धनिया, 1 कप हरा धनिया है। नमक अपने टेस्ट का अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि हमें दोनों ही नमक डालने, काला सफ़ेद दोनों ही नमक डालने। तो ये सफ़ेद नमक, थोड़ी सी दही जाएगी इसमें 2 स्पून के करीब, ये दही डालिए। थोड़ी सी लाल मिर्च 1/4 स्पून लाल मिर्च है, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी है। अब मैं सबको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी चटनी बना के रेडी कर ली है, इसको पीस लिया मैंने चटनी को। देखिए पूरी बन के रेडी हो गई हरी चटनी, देखिए बनी है ना अच्छी एकदम हरी हरी। ये थोड़े से झाग हैं जो मिक्सी में बन जाते हैं पीसते टाइम, वो अभी थोड़ी देर हम रखेंगे तो झाग ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ हरी हरी चटनी दिखाई देगी। ये इमली का पल्प है, मैंने इसको उसमें डाल के, पानी में डाल के वो बॉईल कर लिया था, ये पल्प बन गया। मैं इसको छान लेती हूँ छलनी में। तो ये मैंने इमली का पल्प रेडी कर लिया, छान लिया है इसको, देखिए काफ़ी अच्छे से छान लिया है मैंने, अच्छा सा बन गया है ये। अब हम इसमें डालेंगे, तो ये मैंने 1/2 स्पून सौंठ पाउडर डाला है, ज़रा सी 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच के करीब काला नमक थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि हमें उसी हिसाब से डालना है, हमें दोनों ही नमक डाल लें तो ज़्यादा ना डालें, आप थोड़ा ही डालें, 2 पिंच सफ़ेद नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, थोड़ी सी हम डालेंगे किशमिश, थोड़े से खरबूज के बीज हैं ये, खरबूज के बीज, नारियल सूखा हुआ नारियल मैंने कट करके रखा हुआ था, एक बादाम, बादाम भी कट करके रखे हुए थे, ये हमने ड्राई फ्रूट्स डाल लिए इसमें, 2 पिंच फूड कलर, इससे हमारी सौंठ रेड बनेगी। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा डालेंगे गुड़, गुड़ को मैंने छोटा छोटा फोड़ लिया था, सर्दियाँ हैं तो गुड़ ज़्यादा अच्छा रहता है, आप चाहो तो सिर्फ गुड़ से ही बना सकते हैं, चाहे तो आप चीनी और गुड़ दोनों मिक्स करके बना सकते हैं, और थोड़ी सी चीनी 2 स्पून के करीब। अब हम इस सबको बॉईल करने के लिए गैस पर रख देते हैं, हमने एक साथ सारा सामान डाल दिया है, गैस ऑन करके मैंने गैस पर रख दिया। अब इसमें बॉईल आने दूंगी, इसको पकने देंगे हम, जब तक ये हमारी सौंठ पक रही है इतनी देर में हम आलू की स्टफिंग बना के रेडी करते हैं। चलिए आलू बनाते हैं। ये 2 किलो आलू लिए हैं मैंने, इसको बॉईल करके ठंडा कर लिया फ्रिज में रखे, करीब 1 घंटा मैंने फ्रिज में रखे, ठंडे आलू हैं ये। अब इसको मैं कस लेती हूँ कद्दूकस से। आपको अगर कद्दूकस नहीं करना तो आप ऐसे करके अपने हैंड से फोड़ सकते हैं बारीक बारीक, इसमें ज़्यादा गुठलियाँ ना रहें, इतना ध्यान रखें आप ये, लेकिन मैं कद्दूकस से कर रही हूँ। ये हमने आलू अपने सारे ग्रेट कर लिए, अच्छे से हो गए ग्रेट। अब मैं इसमें मिक्स करती हूँ सारे मसाले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सौंठ में हमारी में बॉईल आ गया, काफ़ी अच्छे से आया बॉईल, और इधर हम इसको गाढ़ा करने के लिए ये करते हैं। 1 कटोरी में पानी लिया है, इसमें 1/2 स्पून अरारोट मिक्स कर रही हूँ मैं, ये 1/2 स्पून अरारोट है, ज़्यादा नहीं डालना हमें, थोड़ा ही डालना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें गुठलियाँ ना रहें गांठ वगैरह। ये अरारोट जो हमने पानी में मिक्स किया है, इसको हम सौंठ में मिक्स करेंगे, सौंठ में मिक्स करेंगे, सौंठ को हिलाएंगे भी साथ के साथ। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, और सौंठ की आप कंसिस्टेंसी देखिए, सौंठ कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए आप, जैसी होती है ना पार्टियों में सौंठ, बिल्कुल उसी तरह की सौंठ बनी है हमारी। तो ये देखिए, इसको सिर्फ 2 मिनट हुए हैं बनते हुए, सौंठ इतने में हमारी बन के रेडी हुई हो गई है। ये जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हुए हैं, इसमें हम मिलाएंगे अरारोट, अरारोट या फिर आप चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हो, आपके पास चावल का आटा हो तो आप चावल का आटा डालें। मैंने इसमें 5 स्पून अरारोट डाला है, 1/2 स्पून नमक, सफ़ेद नमक है ये, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा तीखी नहीं है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून काला नमक, इसको भी इसमें डाल दिया, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टिक्कियों में, ये सबको करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स करना है, जैसे एक डो होता है ना आटे वाला, वैसे ही हमें इसको, इसका डो बनाना है।
मेरे को थोड़ा सा अरारोट कम लग रहा है तो मैं 2 स्पून और डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने 2 स्पून अरारोट और डाला हुआ है, इसको भी कर लूँगी मिक्स। ये मैंने हरे मटर लिए स्टफिंग के लिए, हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, इसको कर देंगे मिक्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना क्योंकि हमारी चटनी में सारे कुछ फ्लेवर होंगे, चटनी हम ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है क्योंकि मटर भी हमारे ज़्यादा नहीं है। इसको भी कर देंगे इसमें मिक्स। स्टफिंग हमारी बन के रेडी है, अब इसको रखते हैं हम साइड में। इधर हमारा डो बन के रेडी है, अब इसकी छोटी छोटी हम बॉल बनाएंगे ऐसे ऐसे अपने हैंड की हेल्प से। ऐसे ही हम हैंड से गोल गोल घुमा के हमने बॉल बना ली, इसको साइड में रखते हैं। हम इसमें स्टफिंग करेंगे, कुछ हम स्टफिंग वाली बनाएंगे, कुछ बिना स्टफिंग की बनाएंगे। इसमें लगे जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं ना, दाल वाले पराठे, आलू का पराठा, वही उसी तरह से हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टिक्की के लिए हमारी बॉल बन के रेडी है, इसको भी साइड में रखते हैं। मैं सारी बॉल बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टिक्की मैंने बना ली, इतनी मेरी थाली में बनी, मैंने अभी उतनी बनाई है, बाद में फिर अभी और बनाऊँगी इतनी सेकने के बाद। ये देखिए इस तरफ मैंने रख दिया है गैस पर फ्राई पैन। अब इसमें डालती हूँ ऑयल, ये मैंने ऑयल डाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल को हल्का सा हम गर्म होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें टिक्कियाँ डालती हूँ। तो हम एक एक करके रखेंगे, आराम आराम से अपना हाथ बचा के। अब हम इनको सेकने देंगे जब तक अच्छे से ये सेक जाती है, पीछे की तरफ से फिर पलटेंगे, अभी नहीं पलटेंगे। और फ्लेम हमने स्लो रखा है, ज़्यादा हाई नहीं रखा, मीडियम से भी हल्का सा कम है फ्लेम हमारा, क्योंकि इन्हें धीरे धीरे पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से पक जाएंगी अगर हमने हाई फ्लेम किया तो, इसलिए हम स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो देखिए टिक्की हमारी नीचे से सेक के रेडी है, अब हम इनको पलट देते हैं, एक एक करके पलटेंगे। टिक्की हमारी फूल गई है, काफ़ी अच्छे से फूली, क्योंकि हमने छोटे छोटे बॉल बनाए थे, काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अभी तो सिकी भी नहीं है, एक तरफ से सिकी है, उससे पहले देखिए आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए मैं पूरी अच्छे से सेक के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टिक्की हमारी सिक्के रेडी है, हम इनको एक एक करके ऐसे निचोड़ निचोड़ के सारा ऑयल इनसे निकल जाए निकाल लेंगे प्लेट में। बिल्कुल वैसी ही टिक्की बनी है जैसे हम ठेले पे खाते हैं या पार्टी में खाते हैं, पार्टी में भी जाके पहले टिक्की ही खाते हैं मुँह चटपटा करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी बनी है ना, क्रिस्पी सारी टिक्की ऐसी क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखिए गरम है अभी, चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये टिक्की है। तो ये हमारी सौंठ बन के रेडी थी, हमने बना रखी थी, वीडियो डब बनाई है। ये हरी चटनी के साथ सर्व करूँगी। ये दही जो हमने फैट के रखा हुआ है, दही मीठी दही है, ताज़ा जमी हुई। तो अब चलिए करती हूँ मैं सर्व हरी चटनी। अब जाएगा इसमें दही, ये देखिए कुछ मटर हमने उसमें फिलिंग कर दी थी, कुछ सर्विंग के लिए रखी हुई है। ये हरे मटर हैं, ताज़े हरे मटर। अब इसके बाद सौंठ, देखते हैं सौंठ डालिए। टिक्की हमारी बहुत टेस्टी बनी होंगी जैसे बिल्कुल ठेले वाली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको डोंगे में सर्व करके दिखाती हूँ। इसे देखिए कितनी क्रिस्पी टिक्की है हमारी, ये देखिए है ना, अंदर से सॉफ्ट है ऊपर से क्रिस्पी है। अब हम इसमें डालेंगे चटनी, ये हरी चटनी, दही, ये मटर, मीठी सौंठ,
दी जाएगी इसमें मीठी सौंठ। अब ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, ये इसमें जाएगा गरम मसाला, चाट मसाला है फ्रेंड्स, सॉरी गरम मसाला बोलिए, चाट मसाला। देखिए तो अब हमारी टिक्की रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।